नमस्कार मु किशोर एन क्लासेस को आपण मानकु स्वागत करूची। पिला माने जेमते आपनकर सिलेबस देइची OSSSC आपनकर एग्जाम रे पाखा पाखी 15 टू 20 मार्क्स रो अछि। आपनकर इंग्लिश मैथमेटिक्स रीजनिंग एप्टीट्यूड एमते मिसिकरी 20 मार्क्स रो अछि। तेनु मु आपण मानकु नर्सिंग रो पार्ट पढुची। आपण माने आज थारु हमर जने फैकल्टी अछंदी कल्याण सर, तांको सहित आपण माने पढिबे मैथमेटिक्स एवं रीजनिंग। आज क्लास टी सी कंडक्ट करेंगे, तेणु क्लास टी एंड पर्यटन निहाती भाव में देखिए, जमार स्कीप करेंगे ना। कौन पाने जानते मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट, प्रत्येक लाइन आपको बुझाई पड़ो। एवं क्लास टी सरला निहाती भाव में फीडबैक देवे क्लास केमती रहा। सो एंड पर्यटन देखो। जदि आप चैनल को प्रथम थर विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ और पाखे बेल आइकन को क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दिखाँ और कल्याण सर सहित आप मैथमेटिक्स स्टार्ट करूँ। ओके, हेलो पिला माने, मु कल्याण मु आपण मान को आज मैथमेटिक्स पढ़ेबी। प्रथम क्वेश्चन आमे गोटे परसेंटेज रो गोटे क्वेश्चन देखिबा, जोटा से कहिछि कि दुईटा जिंस जने दुकानी 100 टंका रे किनला। प्रथम जिंस को 130 टंका रे बिक्री कला, द्वितीय जिंस को 90 टंका रे बिक्री कला। तो हमको खाली परसेंटेज बाहर करबार अछि, शतकड़ा बाहर करबार अछि जे प्रथम जिंस जोटी 130 रे बिक्री कला निहाती भाबरे प्रॉफिट रे बिक्री कला लाभ रे, तो केते परसेंट लाभ केते शतकड़ा लाभ, आ द्वितीय जिंस को क्षति रे बिक्री कला केते शतकड़ा क्षति, हमको सेटा बाहर करबार अछि। केमति बाहर करबा मु आपन को देखौ छी। तो आमे से प्रथम जिंस को 100 टंका रे किनला, द्वितीय जिंस को भी 100 टंका रे किनला, किंतु बिक्री कला प्रथम जिंस को 130 टंका रे। तो जोटी के तार प्रॉफिट हला केते 30 टंका, एटा हला टंका रे, परसेंट आम ए जाए बाहर करना। द्वितीय जिनसटी को से 90 टंका बिक्री कला, तेणु केते टंका तार क्षति है, ये क्षति है 10 टंका, जोटा कि लॉस। सब बेले जानते प्रॉफिट किंबा लॉस जितेबाला आम शतकड़ा बाहर कर परसेंटेज बाहर कर, परसेंटेज कैलकुलेशन सब बेले कॉस्ट प्राइस उपर हुए, माने क्रय मूल्य उपर केते टंका किणा हेतला ता उपरे परसेंटेज बाहर करा जाए। तो प्रथम आम जितेबाला प्रॉफिट परसेंट बाहर करवा, तो 30 टंका प्रॉफिट हिचे केते टंका ऊपर 100 टंका ऊपर। शतकड़ा केमती बाहर करा जाए, 30 टंका 100 टंका ऊपर जति के होला गुणन 100 हेले सेटा परसेंटेज होय। जदि हम याको गुणन 100 कर दबा तो 100 100 कटि जइबो, 100 ऊपर अछि 100 तळे अछि कटि जइबो, केते बाहरिबो 30%। माने एटा साधारण जिंस आपण एमती देखि के भी जानि पारिबे जे 100 टंका रे 30 टंका माने केते परसेंट 30%। जेमती गां जतेबेला आपण गां गाउली रे जिबे सेठी हिसाब करते, सब गाँव रोक मैंने हिसाब करते केते परसेंट कहले से परसेंट बुझी पारंतनी, से कहबे मु लोन नहीं 7 टंका सुधरे 8 टंका सुधरे 10 टंका सुधरे, ता अर्थ कौन 7 टंका सुधरे माने 100 टंका 7 टंका माने 7% से कहते। तो से हिसाब से 100 टंका 30 टंका अर्थ 30% सुध बा 30% परसेंटेज। तो सेकेंड आम देखा जोटा कि 10% लस होती, यहाँ भी 10% लस हम केमती हम देखते। 10 टंका लस है क्या उपर है क्रय मूल्य माने कॉस्ट प्राइस किए 100 इंटू 100 ये कटिगला बाहर के 10 माने 10% क्षति। तो यहाँ स्कूल समय बुझा होता जे एमती गुणन 100 कर ये जदि आपको फास्ट कर शीघ्र करते जिनस भावार ना, यहाँ को पूरा डायरेक्ट आपण डायरेक्ट माइंड लगे कैलकुलेट करेंगे, गुणन 100 कर किसी आवश्यकता ना, डायरेक्ट लिखे जे 10 तले 100 लिखले 100 टंका 10 टंका माने केते परसेंट, ये होची सीधा 10%। तो 10% क्षति, प्रथम जिनसटी की से 30% लाभ रे बिक्री कला, द्वितीय जिनसटी को 10% क्षति रे बिक्री कला। तो पिला माने द्वितीय प्रश्न कहउची 360 टंका रे गोटे शर्ट किनबा आमे केते टंका रे बिक्री कले 10% लाभ हो। बहुत सिंपल, मन कर आम 100 टंका शर्ट टी को किणी 10% आम लाभ रखा माने 10% लाभ माने 100 टंका 10% लाभ माने केते अधिका 10 अधिका केते रे बिक्री करवा 110 टंका। तो से कहूची जे 360 रे जदि किना हितांदा आमे भाबी नेले जे जदि 100 टंका किना हितांदा हेले 110 टंका बिक्री हितांदा, 360 रे किना हेले केते रे बिक्री हो। 100 को जदि आमे बनेबा 360 केमती बनैले 100 रे 3.6 मल्टीप्लाई करले 360 होबो। तो सेही भलिया 110 रे भी 3.6 मल्टीप्लाई कर दबा 3.6 मल्टीप्लाई करदे हूँ 396 अर्थ 100 टंकार कि 110 टंकार बिक्री कले जमी 10% लाभ होती से भाया 360 को 396 टंकार बिक्री कले 10% लाभ हम आपड़ एमती भी गोटे हिसाब करें आ गए प्रकार हिसाब भी मुझे बताऊँ जमती कहार भी 10% शतकड़ा केमती बाहर कर मन कर 100 रो 10% 10% मान 10 विभक्तक 100 10/100 अर्थ हूँ 10% 100 रो 10% मान 100 गुणन 10/100 के 10 मन कर 50 रो 10% 50 गुणन 10/100 केते हो ये 50 को जब काटा 50 2 गुणे 100 2 या को काट 5 रे 10 इक्वाल टू के 5 है मन कर 60 रो 10% काटा बाहर करवा 60 रो 10% 60 गुणन 10/100 ये 0 0 कटिगला ये 10 10 कटिगला रहा के 6 मान 60 रो 10% के 6 तो से भाया कौन सी भी जिनसर परसेंट बाहर करने को मन कर 10% बाहर करने को 10 विभक्तक 100 जदि आम से संख्यार गुणन करदे ताहले आमर से संख्यार 10% बाहरी आसो तो आमर किणा मूल्य से कही 360 टंका आम बाहर करवा 360 टंकार 10% केते हो 360 टंका तार 10% 10 विभक्तक 100 केते हो एठी 10 कटिगला गोटे 0 एठी आ गोटे 0 कटिगला टोटल केते रहिला बर्तमान बाकी 36 माने 360 टंकार 10% होला 36 टंका तो किणा होता 360 टंकार आम लाभ रखा केते लाभ रखा 10% जार कि मूल्य हूँ के 36 टंका प्लस 36 करदे सामान होगा के 396 तो ये बाहर गला आपंकर 396 मुझे आउ गोटे रास्ता भी बतेबी देखो ये आम आउ गए छोट कर बहुत सिंपल बहुत फास्ट मन कर आप चाहते कि सेकेंड हिं क्वेश्चन टाक सारिदे केमती सारिपारे देखो सी कही 360 टंकार किणिकी 10% प्रॉफिट रखिकी केते टंकारे बिक्री करवा एटा से पचारछि हैला 10 टंका को 10% जदि प्रॉफिट रखिवा हेले हुए 11 तो 360 टा केते होबो जदि 10 टा हुए 360 माने 36 गुणा ताहले 11 टा भी होबो 36 गुणा माने 396 फटाक किना 3 सेकंड रे 4 सेकंड रे 5 सेकंड मध्ये रे आपनकर क्वेश्चन रो आंसर बाहर आसला तृतीय प्रश्नटी द्वितीय प्रश्नर ठीक उल्टा सेठी आम पाखे थिला क्रय मूल्य लाभ रखिकी आमको बाहर करिवार थिला विक्रय मूल्य यही प्रश्न रे गोटे बही जहाँ कि बिक्री कराई 72 टंका माने आम पाखे विक्रय मूल्य अच्छे लाभ कराई 20% माने आम पाखे प्रॉफिट परसेंट भी अच्छी आमको खाली बाहर करिवार अच्छे तार क्रय मूल्य माने कॉस्ट प्राइस बहुत सिंपल देखो मुझे गोटे आपन केमते कंपेयर करके केमते फटाफट किछि सेकंड मध्ये रे आंसर बार करि परबे सेही कथा म आपन को बताउ छी मने कर गोटा बहिर क्रय मूल्य 10 टंका 20% जदि आमे लाभ रखिबा केते परसेंट लाभ रखिबा जदि 20% तले केते टंका रे बिक्री होबो एटा नियाति बाबरे 12 टंका रे कारण 10 टंका रो 20% होछि 2 टंका 2 टंका लाभ रखिले बिक्री करवा 12 टंका यहाँ है नेले गोटे मॉडल या सहित कंपेयर करवा क्वेश्चन रे कही बहीर विक्रय मूल्य 72 टंका माने ता अर्थ ये 12 रो मूल्य होला 72 ये 20% ही अच्छी आमको बाहर करिवार अछि 10 रो मूल्य केते जदि 12टा 72 हुए माने 6 गुणा ताहले 10टा हबो 60 6 गुणा तो किणा मूल्य केते ही गला 60 टंका देखिले केते सिंपल रे क्वेश्चन रो आंसर बाहर आसला मो आपन को ई समान उत्तर बाहर करी के देखिबी आ गोटे मेथड रे आमे विभिन्न प्रकार मेथड सिखिथिबा जोथरे हमको मेथड किछि नाही एतरे एग्जाम रे हमर किछि राइटिंग सीट आसीबोनी जोथरे आंसर स्टेप बाय स्टेप लेखि के सबमिट करबा को पड़ो एमते किछि नाही हमको जस्ट आंसर बाहर करबार अछि शीघ्र रु शीघ्र बाहर करबार अछि फटाक किना क्लिक कर दे कि नेक्स्ट क्वेश्चन को डेइ जबार अछि समय बंचबार अछि हमको देखो आ गोटे माने मेथड मो आपन को बताउ छी 20% मान मुझे आपको बतई 20% मान कौन 20 विभक्तक 100 या तो 20 विभक्तक 100 मान जदि 20 को काटिबा 100 को जदि 20 रे भाग करबा केते हो 5 हो माने 20 विभक्तक 100 अर्थात 1 विभक्तक 5 एटा 1 विभक्तक 5 इक्वल टू 20% ता अर्थ 5 टंका रे 1 टंका 20% बुझले 5 टंका रे 1 टंका 20% माने 5 टंका रे जदि हमें 1 टंका लाभ रखिबा माने 20% लाभ रखिबा हेले केते हो सेलिंग प्राइस 6 टंका हो तो हमको दे दीची सेलिंग प्राइस 6 रो मूल्य दे दीची हमको 72 टंका 5 रो मूल्य केते हो 6 टा जदी हला 12 गुणा 5 टा भी हो 12 गुणा माने 60 एमते भी आपण बाहर करि परबे। वर्तमान चतुर्थ प्रश्न से कहिची दुकानी गोटे जिंस को 75 टंका रे बिक्री करी 1 विभक्त को 4 लाभ कला तबे पदार्थ रो किणा मूल्य केते आमे आगो बुझी जबा 1 विभक्त को 4 लाभ कला माने केते लाभ कला जदि 1 विभक्त को 4 कोन आमे याको कहि परबा कि जे ये 25 विभक्त को 100 हां ता अर्थ 1 विभक्त को 4 रो मूल्य होला 25% केते 25% एटा केते परसेंट आमे बाहर करियो हम कहितली 1 विभक्त को 4 गुणन 100 जदि भी कर दबा हेले भी बाहर पड़िबो 25% 4 याको काटिला केते 25 गुणा 25% एमटीबी 1 को जदी हमें जेमती छुआ माने हाई स्कूल रे जेमती हरण करंती सेमती भी जदी 1 विभक्त को 4 करबा ताहले भी बाहरिबो केते 0.25 ता अर्थ भी होचे जे 25% तो माने हमें सबड बुझी गले जे 1 विभक्त को 4 रो अर्थ होचे 25% तो 1 विभक्त को 4 माने हमें बुझी गले जे 25% ता अर्थ 4 रो 25% होचे 1 माने 4 को 4 दाम रो गोटे जिंस को जदि हमें 5 रे बिक्री करबा लाभ रहला केते 1 लाभ रहला का ऊपर 4 ऊपर माने 25% लाभ रहला माने 4 टंका रो जिंसटा को 25% लाभ रखी कि बिक्री करले तार बिक्री मूल्य होबो 5 एटा हला मॉडल हमें वर्तमान याको कंपेयर करबा क्वेश्चन सहित क्वेश्चन रे देइछि जे 75 टंका रे बिक्री हला माने ई 5 रो मूल्य से दे देइछि 75 क्रम लाभ दे दीची से 1/4 माने 25% 4 रे जेमती 25% रखिला हमें 5 हला सेही भलिया 25% रखी कि बिक्री करा गला जे 75 रे बिक्री करा गला तो 5 रो मूल्य जदी 75 माने 15 गुणा तो 4 रो मूल्य सेही भलिया 15 गुणा हबो 60 माने किणा मूल्य हला 60 केते सिंपल रे आंसर बाहरी आसला। पंचम प्रश्न कहूची गोटे दुकानी गोटे बॉक्स को 510 टंका रे बिक्री कला सेल कला और तार क्षति है 15% जदि बॉक्स टी को से 570 टंका रे बिक्री करि थांदा तेबे तार लाभ होई थांदा कि क्षति होई थांदा जहां भी होई थांदा केते परसेंट होई थांदा सेटा बार कर से कहि अच्छा तो हमें आगो गोटे मॉडल नबा मॉडल नै कि एग्जांपल हिसाब रे हमें आगो बुझिबा माने कर 100 टंका रो किणा मूल्य होई थांदा आउ जदि 15 टंका हमें लाभ रे बिक्री कर थांदे तले केते रे बिक्री थांदा 115 रे जदि 15 टंका में क्षति रे बिक्री करि थांदे तले केते रे बिक्री थांदा 85 रे 100 जदि किणा मूल्य आमे 15 टंका बढ़ेबा किबा कमेबा जहा भी होबो 100 टंका ऊपर 15 टंका माने 15 टंका होबो 15% होबो 115 टा 15% लाभ रे बिक्री बोली धरा जिवो 85 टा को 15% क्षति रे बिक्री हला बोली धरा जिवो। क्वेश्चन रे कहिछि 510 टंका रे बिक्री हला आ 15% क्षति हला ता अर्थ क्षति माने कोन से एई पार्टटा को धरछि 100 टंका रो जिंसटा को 85 टंका रे बिक्री करबा जहा क्रय मूल्य को 510 टंका रे बिक्री करबा बे ताहा क्रय मूल्यटा हमको बाहर करबार अछि जोथरे क्षति हिछि केते 15% माने से हमको दे दीछि जे ई 85 रो मूल्य हला जदी 510 100 रो मूल्य केते 85 रो मूल्य 510 माने 6 गुणा तो 100 रो मूल्य केते 6 गुणा 600 ता अर्थ 600 टंका रे किणा हितवा जिंस को जदी 510 टंका रे बिक्री होए ताहले 15% क्षति होबो तो से कहि जे 510 टंका रे बिक्री करा हेछि आ 15% क्षति हेछि ता अर्थ हम किणा मूल्य हम पाइ गले केते ना 600 एबे से कहि जे जदी 570 टंका रे बिक्री हेथांदा केते लाभ होबा क्षति हेथांदा 600 टंका किणा मूल्य को जदी 570 रे बिक्री करा हुए तेबे एबे भी स्टिल क्षति ही होची कारण कम दाम रे बिक्री होची किंतु क्षतिटा कम होची 510 टंका जिते बिक्री होता 15% क्षति होता एवं क्षतिटा कम हम केते हम 600 को 570 टंका बिक्री कले क्षति हूँ 30 टंका केते परसेंट क्षति जदि मूल्य केते कह जाए ताले हम एटा 30 टंका क्षति आ केते परसेंट है 30/600 कारण 600 टंका रे हमर 30 टंका क्षति। अच्छा 600 टंका रे 30 टंका माने 100 टंका रे केते 600 रु जदि 6 रे भाग कर दबा हले 100 हो जिवो 30 को जदि 6 रे भाग कर दबा हले 5 हो जिवो ता अर्थ 600 टंका रे 30 टंका कहिबा जहा 100 टंका रे 5 टंका कहिबा ताहा आ 100 रे 5 टंका कहिबा जहा 5% कहिबा ताहा माने जिनसटी को जदि 570 टंका रे बिक्री करि थांता तो क्षति ही थांता 5%। षष्ठ प्रश्नटी हला 20 कलम रो बिक्री मूल्य 25 टी कलम रो क्रय मूल्य सह समान एते शतकड़ा लाभ निर्णय कर। माने 20 टी कलम को आमे जते बेले बिक्री करचोंती जहा टोटल मूल्य होचे टोटल सेल प्राइस जहा होचे 25 टी कलम को किणा गले तार टोटल कॉस्ट प्राइस सहित समान हेले कहवा अर्थ जे 25 टी कलम आमे जदी किणिले आ 25 टी जाको बिक्री कर देले हेले लाभ केते हो सेति पय से गोटे हिंट दे देछि जे 20 टी कलम रो बिक्री मूल्य 25 टी कलम रो क्रय मूल्य सह समान। 25 टी कलम आमे किणिबा को जहा पैसा खर्च कले 20 टी कलम बिक्री कर देबा द्वारा सब पैसा हमर रिकवर हे गला आउ 5 टी कलम जो बाकी रहिला ताकू आमे जते बेले बिक्री कर देबा सेटा हबो हमर लाभ। माने 5 टी कलम रो सेल प्राइस सेलिंग प्राइस 5 टी कलम रो टोटल जहा हो सेटा होची हमर लाभ। लाभ का ऊपर लाभ हो 25 टी कलम को हम जते टंका रे किनिथबा ता ऊपर लाभ हो। तो देखंतु एठी रेशियो रो कथा आसीबो रेशियो मु आपण मान को बुझाइबी एबे देखंतु हमरो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस हला 25 टी कलम रो कॉस्ट प्राइस माने करो कॉस्ट गोटे कलम रो माने करो कॉस्ट प्राइस होची सी 25 टी कलम रो कॉस्ट प्राइस होबो 25C। गोटे कलम रो सेलिंग प्राइस माने करो S 25 टी कलम को जदी सेल करबा हमें केते होबो 25S 20 टी कलम को जदी हमें सेल करबा केते होबो 20S तो 20 टी कलम को सेल करले 20S से कहछि 25 टी कलम रो किणा मूल्य माने 25C का सहित समान 20 टी कलम रो बिक्री मूल्य सहित समान माने 20S सहित समान। तो C आउ S रो रेशियो बाहर करियो आमे माने कॉस्ट प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस रो रेशियो जदी S को एपोर्ट को आनी पकेबा C विभक्त को S एपोर्टे हि जिवो 20 25 तार एपोर्टे पळे कि हि जिवो 20/25 जोटा कि समान होबो 4/5 जदी आमे 20 को 5 रे काटिबा 4 आसीबो 25 को भी 5 रे काटले 5 आसीबो माने कॉस्ट प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस रो जो अनुपात जो रेशियो होची से होची 4:5 4/5 4:5 ता अर्थ कोन ता अर्थ जदि किणा मूल्य 4 हुए ताहले बिक्री मूल्य होबो 5 अर्थ होची एटा किणा मूल्य जदि 4 हुए बिक्री मूल्य होबो 5 ताहले किणा मूल्य जदि 4 25 टी कलम रो किणा मूल्य केते 25 × 4 माने केते 100 बिक्री मूल्य जदि 5 25 टी कलम रो बिक्री मूल्य केते 25 टा जाकर कलम रो किणा मूल्य हला 100 बिक्री मूल्य हला 125 माने आमे किणी थिले जदि 100 रे बिक्री कले 125 रे लाभ होला हमरो 25 हमरो लाभ होला का ऊपर 100 ऊपर माने 25%। मु जोटा स्टार्टिंग रो आ गोटे कथा भी कहितली जे 20 टी कलम बिक्री करि सरला परे 5 टी कलम जो बळी गला सेही 5 टी कलम रो सेलिंग प्राइस होची हमरो लाभ। 5 टी कलम रो ही सेलिंग प्राइस केन लाभ कारण 20 टी कलम रो सेलिंग प्राइस होची 25 टी कलम किनिया पई हमें जहा खर्च करितले ता सहित समान माने 20 टी कलम बिक्री कर देले हमरो किणा मूल्य टोटल बाहरी आसला आउ 5 टी पेन जो एक्स्ट्रा रहला ताकू बिक्री करले सेटा हला हमर लाभ। तो 5 टी कलम जदी हमें बिक्री करबा गोटे रो बिक्री मूल्य हमें निचोजी केते 5 टी कलम रो बिक्री मूल्य केते 25 तो 25 हम हमर लाभ से समान जिंस आ परसेंट बाहर करबा को हेले क्रय मूल्य ऊपर टोटल क्रय मूल्य केते जदी क्रय मूल्य 4 हुए 25 टी रो क्रय मूल्य केते 100 ऊपर 25 माने सही 25% लाभ समान जिंस हला। तो सप्तम प्रश्न टी होची जे गोटे दुकानी दुईटा जिंस को समान मूल्य रे बिक्री कला गोटे 20% लाभ है आ गोटे 20% क्षति है आम हिसाब करवा टोटाल तार कौन है नेट प्रॉफिट है कि लॉस है। देखो ये दुईटा केस ना प्रथम केस दुईटा जिनस आग मुझे बुझे दूसरी 20% 20% मान कौन 20/100 20/100 मान कौन 1/5 मान 20%। अच्छा जदि 1/5 मान 20% हेले 20% लाभ रे जदि बिक्री करवा 5 टंका 1 टंका लाभ रखिकी 6 टंका जदि बिक्री करवा एठी हम आम 20% लाभ कौन पाई ना 5 रे 1 लाभ रखिले जदि 20% क्षति रखा क्षति करवा माने कौन 5 टंकार जिनसटा को जदि आम 4 रे बिक्री करदे हेल्ले कौन हम 20% क्षति हो कहीं 5 टंकार 1 टंका आम क्षति कले 5 रे 1 मान 20% 5 रे 1 लाभ कले मान 20% लाभ 5 रे 1 क्षति कले मान 20% क्षति माने दुईटा जिनस से कही गोटे 20% लाभ रे बिक्री होती गोटे 20% क्षति रे बिक्री होती मान ता अर्थ जोटा मन कर आम नेबा एटा हला लाभ जिनसटा नेबा आ द्वितीय केस को आम नेबा एटा क्षति रे बिक्री होइतबा जिनस बोली धरिबा लाभ रे बिक्री हिच माने ए जगह रे 5 टंकार जिनस को 6 टंकार बिक्री करा हिच क्षति हिच माने ए जगह रे 5 टंकार जिनस को 4 टंकार बिक्री करा हिच किंतु प्रश्न रे हमकु देइछि जे दुईटा जिनस को दुकानी समान मूल्य रे बिक्री कला माने ए जो 6 आ ए जो 4 दुई जाक जिनस रे समान तो हम एटा को जदि समान बने देबा समान केमति बनेबा देखो 6 आ 4 जदि 12 कर देबा दुईटा जाक हम प्रथम केस रे बिक्री मूल्य हला 6 द्वितीय केस रे बिक्री मूल्य हला 4 आमको 6 और 4 को समान कर देबार अछि कोन पई समान कर देबार अछि ना प्रश्न रे देछि जे दुईटा जाक जिनिस को समान मूल्य रे बिक्री करा हिछि बोली दिया हिछि तो हमें एमती गोटे संख्या सहित गुणन कर देबा जे जेमति मु करिक बतौछि करिक बतला अपन बुझि परिबे। देखो ऊपर मु गुणन कर देबी टोटल 2 तळे गुणन कर देबी 3 हेले कोन हो 2 गुणन कर देला जोटा 5 टंका 6 टंका बिक्री होता धरती आम बर्तमान धरवा 10 टंका 12 टंका बिक्री है कौन धरवा 10 टंका 12 टंका बिक्री है माने 20% लाभ रे बिक्री है प्रथम केस। द्वितीय केस 3 रे गुणिले धरवा 15टा 12 रे बिक्री है 15टा को 12 रे बिक्री कले 20% क्षति। एबे देखंतु दुईटा जाक केस रे आम सेलिंग प्राइस 12 आ 12 करदे माने सेलिंग प्राइस समान करदे ता अर्थ जदि दुईटा जाक केस रे 12/12 समान सेलिंग प्राइस ताहले लाभ रे जो बिक्री हेची तार क्रय मूल्य 10 यार क्रय मूल्य 15 से पचार जे हम कोन व्यवसाय रे शतकड़ा केते लाभ बा क्षति हला तो टोटल क्रय मूल्य हमर केते थिला गोटे रो क्रय मूल्य थिला 10 आ गोटे रो क्रय मूल्य थिला 15 माने टोटल क्रय मूल्य हला 25। अच्छा बिक्री के तरह हला दुटा जाक 12/12 रे जदी बिक्री हला टोटल 24 रे तो टोटल दाम देखि किना हेतला 25 बिक्री हला 24 क्षति केते 1 टंका क्षति हला का ऊपर 25 ऊपर माने 1/25 એટલે केते परसेंट 1/25 कहवा जहा 4/100 कहवा ताहा माने 4% बोली कहवा ताहा तो टोटल आमरो 4% लाभ ना क्षति टोटल 4% क्षति है बोली धरा जीव। अष्टम प्रश्नटी है जे जने दुकानी 2 टंका 5टी लेंबू यही हिसाब रे 100टी लेंबू किणला आ 3 टंका 8टी लेंबू हिसाब रे 80टी लेंबू किणला भावी नियंतु दुईटा दुकान से किणला दुईटा अलग अलग जगार किणला गोटे जगह बिक्री होता जे 2 टंका 5टा लेंबू ता पाखरु से 100टा नेला आउ गोटे जगह बिक्री होता 3 टंका 8टा लेंबू ता पाखरु से 80टा लेंबू नेला सबू नहीं सारा पर से प्रत्येक लेंबू को 50 पैसा रे बिक्री कला तो तार केते लाभ होला बोली हमें हिसाब करबा हला। देखो प्रथम दुकानी पाखरु से किनला 2 टंका केतेटा लेंबू 5टा लेंबू को केते लेंबू आनला टोटल से 100टा लेंबू आनला माने 20 गुणा पैसा भी देथिबो केते 20 गुणा माने 40 टंका ह द्वितीय दुकानी पाखरो से आणला 3 टंका रे 8 टा लेंबू हिसाब रे आणला केतडा 80 टा लेंबू माने 10 गुणा पैसा भी देथिबो से 10 गुणा माने 30 टंका तो टोटल दुईटा जागा रो से गोटे जगार 40 टंका देला आ गोटे जगार 30 टंका देला माने टोटल से 70 टंका खर्च कला लेंबू आणला गोटे जगार 100 टंका आ गोटे जगार 80 टा सॉरी 100 टा आ 80 टा माने टोटल से लेंबू आणला 180 टा वर्तमान ता पाखरे 180 टा लेंबू अछि से प्रत्येक लेंबू को जदी 50 पैसा रे बिक्री करबो तले केते टंका हबो 90 टंका जदी गोटे लेंबू को 50 पैसा दुईटा लेंबू को हबो टंकाटे 180 टा लेंबू को 90 टंका माने से 70 टंका रे किनिथिबा लेंबू को 90 टंका रे बिक्री कला तो टोटल ता पाखरे कोन होला लाभ होला 70 टंका खर्च करथिला 20 टंका लाभ होला लाभ केते टंका 20 टंका केते परसेंट ना 70 रु 20 70 टंका ऊपर 20 टंका से लाभ कला माने केते परसेंट लाभ कला 2/7 या को हम जदी 100 रे गुणन करबा हेले बाहरिबो शतकड़ा तो हमर परसेंट बाहर के पळे आसला 28.56% हैला देखो तो एग्जाम समय रे ई सब कैलकुलेशन कला बेले पिला किछटा कंफ्यूज हे जानती 2/7 × 100 कला बेले कंफ्यूज हे जाउथबे कहतबे नाही आंसर तो आसु नाही एते समय लागि जाउची याडे समय बेसी सरी जिवो सेडे क्वेश्चन अटेम्प्ट करि परिबेनी रहि जिवो मु आपन को गोटा ट्रिक देबी आपन सेटा मने रखबे बहुत इजी होबो आपन को भाई देखो ट्रिकटा है सब मन रखिए 1 माने 100% 1/2 माने केते 50% 1/3 माने केते 3/1 माने 33.33% इटा गोटे चार्ट 1 ରୁ 10 पर्यंत मन रखिदेवे 1/4 माने 25% 4/2 1/5 माने 20% से बड़ा 1/6 माने 16.66% और 1/7 माने 14.28% 1/8 माने 12.8% 1/9 माने 11.11% और 1/10 माने 10% तो मु जो कहली सेटा बाहर कर लीजे 2/7 माने केते परसेंट मु एटू संगे संगे बाहर कर देली देखो जदि 1/7 जदि होची 14.28% 2/7 माने केते 2/7 माने मु कोन कहि परिबी कि जे 2 × 1/7 बोली कहि परिबी तो 2 × 1/7 माने कोन 1/7 रो 2 गुणा 1/7 माने होची 14.828% तो 2 तारो 2 गुणा माने 28.56% तनो मु एटा विलंबन करी फटाकिना 2/7% माने 2/7 माने 28.56% बोली कहि दे पारली काहे कि ना ए ट्रिकटा मु मन रखतली ए ट्रिकटा आपन को एग्जाम रे काम दबो आपन एग्जाम रे सेठी बसी कि जदी 2 को 7 रे विभक्त करी के सेथरे जदी गुटे मिनिट समय बर्बाद कर दो जंते ताने सेटा समय रो नष्ट नवम प्रश्न को होची दशहरा पूजा रे जने कपड़ा दुकानी प्रथमे 20% और तापर स्वतंत्र 10% रियायती देले जदी खंडिय पाटा साइड रो मूल्य 3000 टंका होए तबे बिक्री मूल्य निर्णय करो माने सेलिंग प्राइस हमको बाहर करबार छै एटा को आगे बुझि नियंतो जे 20% तापर स्वतंत्र 10% स्वतंत्र 10% रो अर्थ होला जे से 20% डिस्काउंट देले जहा हैला ता ऊपर पणी आ 10% डिस्काउंट देले या को कोनते क्रमिक रिहाती तो हमें एटा देखि देबा हमें एग्जांपल नै जेबा जे मने करो साडी रो मूल्य 100 टंका ता ऊपर जदी हमें 20% डिस्काउंट दे देबा 100 रो 20% माने केते 20 टंका जदी 20% डिस्काउंट दे देबा हे जेबो 80 टंका ता पोरे पुनी स्वतंत्र 10% माने या पोरे जो 10% लागिबो रिहाती ए 10% 10 हबोनी ए 10% 80 रो 10% 20% डिस्काउंट पाई सारला पोरे जो दाम हैला माने 80 ऊपर एबे 10% मिलिबो 80 रो 10% माने 10/2 माने 8 80 रो 10% माने 8 आपण जान जदी बताइतली 80 रो 10% माने 80 × 10/100 करि परिबे सेटा करबा जहा 80 × 1/10 करबा ताहा एटा करबा जहा 80/10 करबा ताहा आ 80 को जदी 10 रे भाग करबे हला 8 माने 80 रो 10% रो अर्थ होची 8 तो 80 ऊपर पुनी 8 डिस्काउंट दिया गला माने टोटाल केतरे बिक्री करे से 72 रे बिक्री करे 100 टंका रो थिला क्रय मूल्य 20% डिस्काउंट देला पर से हे गला 80 टंका पुनी आउ 10% दिया गला 80 टंका ऊपर आउ 10% डिस्काउंट देला पर विक्रय मूल्य हे गला 72 टंका वर्तमान से कहि छी 3000 टंका जदी होए क्रय मूल्य ताहले विक्रय मूल्य केते हमें एग्जांपल लेगी कले जे 100 टंका जदी क्रय मूल्य होए हेले विक्रय मूल्य हो 72 तो ए डेमो सहित हमें कंपेयर करबा क्वेश्चन को जे 100 टंका जगह रे जदी 3000 टंका होए क्रय मूल्य ताहले ई 72 रो मूल्य केते 100 टंका जगह रे 3000 माने 30 गुणा सेही भलिया 72 रो 30 गुणा माने 3 * 6 3 * 7 21 एड रेगुला 0 माने 2160 माने 3000 टंका को बिक्री होबो केते रे 2160 रे आमे प्रथमे 100 टंका नेले गोटे भाबी कि नेले जे मने करो 100 टंका डेमो करी कि देखिले जे प्रथमे 20% डिस्काउंट पुनी 10% डिस्काउंट हेले 100 टंका टा हे जाउची 72 ता सहित आमे कंपेयर करी कि बार कर देले जे 3000 टा हे जीवो 2160 उत्तर हला हमर 2160 तो आउ गोटे मेथड रे मु आपन बताउ छी आपन साधा सिंपल डायरेक्ट बे कैलकुलेशन करि परिबे देखंतो से कहि दिछि 3000 टंका हला तार उपेते क्रय मूल्य प्रथमे या ऊपर आमे दबा केते 20% डिस्काउंट 3000 टंका रो 20% केते हिसाब करंतो 3000 तार 20% 100 रे 2टा 0 एटे 2टा 0 कटि गला 30 गुणन 2 केते हे गला 600 3000 रे 600 डिस्काउंट देला परे आम पाखे रहा बिक्री मूल्य के 2400 पुणी स्वतंत्र या उपरे मिलला 10% रियाती 2400 उपरे पुणी 10% डिस्काउंट दबा 2400 रो 10% केते बाहर करबा 2400 49/100 100 रो 2टा 0 एटी कटि गला एटी 2टा 0 कटि गला 24 × 10 माने 240 2400 रे 240 डिस्काउंट देले आ बळीला आम पाखे 2160 तो 3000 टंका रो विक्रय 3000 टंका रो साडी 20% तापर स्वतंत्र 10% डिस्काउंट देबा हेले विक्रय मूल्य रहबो बाकी 2160 तो दशम प्रश्न को होचे गोटे घंटा रो लिखित मूल्य माने एमआरपी जोटा लेखा हेताय डबा ऊपर लिखित मूल्य हला 840 टंका हला 840 टंका से घंटा टिको 714 टंका रे बिक्री कला गला माने सेलिंग प्राइस हला 714 शतकड़ा रिहाते निर्णय करो माने केते परसेंट डिस्काउंट दिया गला जदी 840 टंका रो घडी को 714 रे बिक्री करा गला ताले डिस्काउंट देला से केते टंका डिस्काउंट देला 126 टंका डिस्काउंट देला तो आमे परसेंट बाहर करबा जे ई जो 126 टंका डिस्काउंट देला एटा केते परसेंट डिस्काउंट सब बेले एमआरपी ऊपर ही कैलकुलेशन होय परसेंटेज 126 टंका डिस्काउंट देला कोथुर 126 डिस्काउंट देला ना 840 रो 840 रे 126 डिस्काउंट देला तो कितने परसेंट डिस्काउंट दला परसेंट पई हमें 100 रे गुणन करनते सब बळे एटा को हमें हिसाब कर दबा जदी 00 कटि गला 2 रे जदी काट दबा ये हबो 5 ये हबो 42 रो ये देखिबे ये होची यार 3 गुणा 42 रो 3 गुणा 126 तणो 42 126 को 3 रे काट दला 5 × 3 ये हे गला केते 15 तो 15% डिस्काउंट दिया हेतला तो थैंक यू पिला माने क्लास देखि थिबारु कमेंट रे बतैबे क्लास केमति लागिला बुझी हैला नै बेसी कॉम्प्लेक्स हे गला कि कोन हैला चाहे भी आपण फील करछन ए क्लास बाबत रे निहाती बाबरे लेखि कि जणाइबे कारण आपण एटा मो पाखरु प्रथम मु भी आपण को एटा प्रथम टाइम पई पढैली तेनो रिव्यू बहुत जरूरी होटे आपण रिव्यू देबे से हिसाब रे मु इंप्रूवमेंट करबी ओके थैंक यू।